तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नेक बैंड के बारे में, जो आप देख सकते हैं U&I कंपनी का नेक बैंड है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, U&I कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, UIN B 4500 इसका मॉडल नंबर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी क्लेम करते हैं 100 घंटे का बैटरी बैकअप, क्या वो सच में 100 घंटे का बैटरी बैकअप दे पाता है, या फिर कंपनी सिर्फ क्लेम ही करती है पैसे लेने के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सारे कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस नेक बैंड को लेने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है इसे लेने से पहले। तो दोस्तों, जो कंपनी इसमें क्लेम करती है 100 घंटे का बैटरी बैकअप, तो दोस्तों ये सही है, ये 100 घंटे तक चला जाता है। और मैं बताऊं तो मुझे 1 महीने में सिर्फ एक बार चार्ज करने पड़ा। जब एक बार कंपनी चार्ज करके दिया 80%, तब वो 15 दिन तक चला गया, और दूसरा मैंने चार्ज किया वो 15 दिन तक चला गया। तो मैंने इसे 15 दिन जब यूज़ किया तो मैं लगातार डेली, मतलब स्टैंड बाई नहीं रख पाता था कि लगातार मोबाइल में ही लगा रहा है 12-24 घंटा, वैसे नहीं हो पाता था। लेकिन सुबह और शाम जैसे मैं यूज़ करता था, दोपहर को सुबह और शाम, उस हिसाब से ही मेरे साथ 15 दिन तक चला गया इसका बैटरी। 15 दिन में मुझे एक बार भी इसे चार्ज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। इसी तरह 15 दिन के बाद मैंने एक बार चार्ज किया और 1 महीने तक ये फिर चला। तो दोस्तों, इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। अगर आप दूसरे नेक बैंड के हिसाब से देखोगे तो दूसरे ही नेक बैंड में आप अगर 1200-1500 के भी नेक बैंड लोगे तो यह 100 घंटे का बैटरी बैकअप नहीं देगा। जो ये कंपनी, जो U&I कंपनी है, अभी नहीं है, ऑफलाइन मार्केट में आपको शायद ही देखने के लिए मिलेगा। मैं कम से कम 4-5 बड़े ऐसे नेक बैंड के शॉप पर गया था, लेकिन मुझे कहीं पर नहीं मिला। तो मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। इसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये तकरीबन मेरे को 619 रुपये का पड़ा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपके ईयर में काफ़ी परफेक्टली बैठ जाता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको इसके बटन के सारे जो फंक्शन है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यहीं पे आपको चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाता है। ज़्यादा हैवी भी नहीं है ये, लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। अगर आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा। इसमें वॉल्यूम बढ़ाने और गाना चेंज करने का भी ऑप्शन आता है। इसमें वॉल्यूम कम और घटाने का भी ऑप्शन आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे इसे मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका चार्जिंग पोर्ट है जो टाइप सी केबल से कनेक्ट हो जाता है। इसे आप नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आपको अलग से चार्जर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में आपको केबल मिलेगा लेकिन अडेप्टर नहीं मिलेगा, तो आपको अडेप्टर अलग से लेना पड़ेगा, या फिर अपने स्मार्टफोन के अडेप्टर से चार्ज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा नेक बैंड है, जो कि बजट हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस रेंज में भी कोई भी कंपनी 100 घंटे का बैटरी बैकअप देने का वादा नहीं कर रहा है और ना ही दे पा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि 100 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है। तो मैं आपको ये सजेशन जरूर करूँगा कि आप इस नेक बैंड के साथ जा सकते हो। इसके बेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें बेस थोड़ा सा कम लगेगा आपको नॉर्मल दूसरे नेक बैंड के हिसाब से। अगर आप बोट के हिसाब, बोट का बेस देखोगे तो उसमें इससे ज़्यादा, इससे अच्छा बेस रहता है। लेकिन आपके डेली यूजेस के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। इसमें साउंड क्वालिटी थोड़ा सा कम है, तो अगर आप बेस वाला तो लेना चाहते हैं तो आप इसे परचेस ना करें। अगर आप अच्छे से बेस वाला लेना चाहते हैं तो आप फिर बोट कंपनी के साथ जा सकते हैं, और अन्य नेक बैंड है जो काफ़ी अच्छा बेस दे रहा है उसके साथ भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैटरी बैक के मामले में इसे लेना चाहते हैं तो आपके लिए 100% ये कारगर होगा, आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।